तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, जो मैदान में हमारे इमारती हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जिन्होंने लगातार हर चीज़ को डिकोड किया, अब तक वो खबरें लेकर आए और किस तरीके से वोटर के मानस से लेकर नेताओं के दावों तक को उन्होंने बहुत करीब से देखा और ज़मीन पर दरअसल क्या ज़रूरी है वो तमाम चीज़ें भी उन्होंने देखी हैं। आज वोटिंग हुई है और छत्तीसगढ़ में जैसे मैंने कहा कि लगभग जनादेश ईवीएम में कैद हो चुका है और अब सिर्फ उसका एक ऐलान बाकी है, उसके लिए 4 तारीख तक का इंतज़ार करना होगा। मध्य प्रदेश में हालांकि अभी और वोटिंग बाकी है और अगले चरणों में ये मतदान होगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर उन्हीं का हम रुख कर लेते हैं। और तनु आपको नजर आ रही होंगे, सुशील आपको नजर आ रहे होंगे। सुशील, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की बात, दूसरा इस बार की कैंपेनिंग में खास बात हमने जो देखी कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो उनका पूरा परिवार एक तरह से मैदान में रहा। मैं सुबह से इस बात का जिक्र भी कर रहा हूं कि एक अखबार ने बड़ी अच्छी हेडलाइन लिखी थी कि इस बार बिल्कुल भी हवा में नहीं महाराज। शायद यही वजह थी कि 2019 का जो पूरा घटनाक्रम है उसका ये एक्सपीरियंस था, एक बात। दूसरी बात कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस चुनाव को यादव बनाम ज्योतिरादित्य बनाने की कोशिश की। सुशील। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो सबसे हॉट सीट गुना ही थी। यहाँ 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वो बीजेपी के केपी यादव से हारे थे। उस समय भी दावा किया जा रहा था कि सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर करीब 5 लाख वोट से उसे जीतेंगे और यही वजह है कि जो दावे हवाई हवाई रहे उन दावों के चक्कर में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक मोदी लहर भी थी तो उस चक्कर में हारे थे। और उससे सबक लेते हुए जब बीजेपी में आने के बाद अब जब भारतीय जनता पार्टी से वो गुना से चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बार उन्होंने किसी तरह का जोखिम उठाने का प्रयास नहीं किया और यही वजह है कि ना सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया बल्कि उनकी पत्नी प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया और युवराज महानारायण सिंधिया जो उनके बेटे हैं, सभी ने, पूरे परिवार ने जो है एक एक इलाके में जाकर प्रचार किया। जमीनी स्तर तक कार्यकर्ताओं को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सिंधिया ने पूरा हवा बना दी थी और उन्होंने कई बार अपने इन बयानों में जिक्र भी किया, कार्यकर्ताओं से भी कहा कि मुझे हवा हवाई बातें नहीं चाहिए, ज़मीन पर काम चाहिए। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से सिंधिया का कैंपेन था, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते थे, उससे साफ था कि वो किसी तरह की इस बार जोखिम नहीं लेना चाहते और ना ही वो हवा में थे। और यही वजह है कि उन्होंने पूरा कैंपेन जो है अपने दम पर और पूरी जो प्लानिंग थी कार्यकर्ताओं की उसके साथ पूरे परिवार के साथ मिलकर लड़ा है और निश्चित तौर पर इसका उन्हें कहीं ना कहीं जो सूत्र बताते हैं बीजेपी के उसका फ़ायदा भी मिला है। और यही वजह है कि जो ग्वालियर चंबल अंचल है इसमें अगर देखें तो कांग्रेस ने प्रयास ये किया था कि इस चुनाव को जो है कैंडिडेट टू कैंडिडेट करें, लेकिन अगर भिंड, मुरैना, ग्वालियर तीनों सीटों की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जो प्रचार था, पूरा कैंपेन था वो मोदी के चेहरे पर किया है और मोदी के चेहरे पर ही इन तीनों सीटों पर चुनाव लड़ा है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने लाख प्रयास किया कि यहाँ चुनाव जो है प्रत्याशी टू प्रत्याशी हो, लेकिन हवा बीजेपी ने मोदी बनाम राहुल, मोदी बनाम कांग्रेस की बना दी थी और यही वजह है कि इन तीनों सीटों पर, चारों सीटों पर इसी तरह से चुनाव हुआ है। हालांकि मतदान का प्रतिशत लगातार इन सीटों पर इस बार इंक्रीज हुआ है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के चेहरे पर इस बात की भी खुशी है कि जो बढ़ा हुआ मतदान है कहीं ना कहीं उससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर जो ग्वालियर चंबल अंचल की चारों सीटें हैं अगर गुना को छोड़ दिए जाए तो बाकी जो 3 सीटें हैं यहाँ टफ मुकाबला माना जा रहा था और मतदान का प्रतिशत जिस तरह से हुआ उसने बीजेपी को खुशियाँ दी। अब देखना यही है कि किस तरह के परिणाम इन सीटों पर आते हैं। वाकई किस तरह के परिणाम इन सीटों पर आते हैं ये वाकई देखना दिलचस्प होगा। और शैलेंद्र भी आपको नज़र आ रहे होंगे, शैलेंद्र की नज़र लगातार मुरैना पर बनी रही। मुरैना चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर साहब का प्रभाव क्षेत्र है, जो बड़े नेता हैं वहाँ के, अब वो जिम्मेदारी उनकी बदल गई है, तोमर वोटर की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। मुरैना को लेकर एक बात यह भी कही जा रही थी शैलेंद्र कि स्थितियाँ इस तरह की बन गई हैं इन वक्त पर कि अगर ब्राह्मण वोटर इधर या उधर होगा तो स्थितियाँ पलट सकती हैं। क्या आपको नज़र आता है मैदान को देखते हुए शैलेंद्र?
देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ब्राह्मण वोटर और वैश्य वोटर दोनों वोटर यहाँ निर्णायक की भूमिका में है, क्योंकि देखिए अगर मैं कांग्रेस बीजेपी की बात करूं तो दोनों ही दलों ने क्षत्रिय नेताओं पर इस बार भरोसा जताया था, चाहे वह बीजेपी की तरफ से सिमंगल सिंह तोमर हो या कांग्रेस की तरफ से सतपाल सिंह सिकरवार, दोनों ही जो है वो क्षत्रिय समाज से आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज थी कि जो वोटर है खासकर ब्राह्मण वोटर वो निर्णायक भूमिका में है। और देखिए जिस तरीके से हमने पिछले विधानसभा का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान वोटरों को लेकर लिहाज से बात करना जरूरी है। देखिए जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर के सामने बीएसपी ने बलवीर डंडोतिया को मैदान में उतारा था, उस समय हमने देखा था कि ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण दिवनी में चुनाव हुआ था, हालांकि हार जो है वो बलवीर डंडोतिया को मिली थी। एन वक्त पर बलवीर डंडोतिया को बीएसपी से इस्तीफा दिलाकर जो है बीजेपी में शामिल कराया गया। उसके पीछे का कारण यही था कि बीजेपी को यह डर था कि यदि ब्राह्मण वोटर जो है वो अगर कांग्रेस के साथ जाता है तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि आखिरी समय में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की सभाएं कराई गई, रोड शो भी कराए गए, सभाएं भी कराई गई, और यहां तक कि उनके पैतृक गांव सुरजनपुर में भी जाकर उन्होंने ब्राह्मण कार्यकर्ता का जिसको नाम दिया प्रबुद्ध जन कार्यकर्ता का सम्मेलन, वो सम्मेलन तक आयोजित किया गया। तो इसके पीछे कारण ये था कि ब्राह्मण वोटर्स को साधना है। अब कितने ब्राह्मण सदे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखिए क्योंकि देखिए चंबल की तासीर काफी बगावती मानी जाती है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जिस वोटर ने नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ वोट किया था बलबीर सिंह डंडोतिया की अगुवाई में, वही बलबीर सिंह डंडोतिया अब नरेंद्र सिंह तोमर के साथ खड़े नजर आए, तो क्या ब्राह्मण वोटर नरेंद्र सिंह के साथ खड़ा नजर आया बलबीर डंडोतिया के कहने पर, या फिर वो पिछली बार की तरह इस बार नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफत करता नजर आया। हालांकि खुलकर कोई भी इस पर कुछ भी नहीं बोला है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर बीएसपी ने जो है वो वैश्य वर्ग को टिकट दिया, और यही कारण है कि वैश्य वर्ग जो परंपरागत तौर पर बीजेपी का वोटर माना जाता है उसके खिसकने का डर भी बीजेपी को यहाँ बहुत ज्यादा सताया हुआ है। अब देखना होगा कितने वोट जो है वो वैश्य वर्ग के खिसके। हालांकि कांग्रेस के सामने चुनौती ये हो गई थी कि एंड टाइम पर वो मुरैना की महापौर जो एससी वर्ग से आती है वो पार्टी छोड़कर चली गई, ओबीसी वर्ग से रामनिवास रावत आते हैं वो पार्टी छोड़कर चले गए, तो कई जो और अजब सिंह कुशवाहा जो एमएलए रहे हैं यहाँ से समावली से वो भी पार्टी छोड़कर चले गए, तो तीन बड़े नेता उनका साथ छोड़ गए। तो ऐसे में क्या ब्राह्मण और वैश्य वर्ग ने जो है उनका साथ दिया है या नहीं दिया है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ का जो सियासी समीकरण है वो बेहद उलझा हुआ है, ये कहा जाए कि यहाँ पर मुकाबला पूरी तरीके से त्रिकोणीय नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि बिना नजरबंद किए मतलब ये शब्द आना ही है, अगर मुरैना का जिक्र करें तो नजरबंद आएगा ही। अगर वक्त रहता है तो मैं इसी सवाल के साथ शैलेंद्र आपके पास आऊंगा। तनु लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तनु क्या कुछ अपडेट और आपके पास, अगर रायपुर की ही बात कर ली जाए तो ये भी खबर है आज के शायद आमने सामने ये दोनों जो कैंडिडेट हैं ये आ गए थे, और क्या कुछ अपडेट आपके पास तनु? जी बिल्कुल, देखिए रायपुर लोकसभा सीट जो है वो छत्तीसगढ़ की काफ़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, और 2019 की हम बात करें तो 2019 में यहाँ से सुनील सोनी जो है वो सांसद रहे, और इसके बाद 2014 में रमेश बैस यहाँ से सांसद थे। तो लगातार तीन दशकों से भाजपा का कब्जा रायपुर लोकसभा सीट पर रहा है। इसके साथ ही इस बार के लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार राष्ट्रीय नेता भी जो है छत्तीसगढ़ प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे। एक भाजपा जहां पूर्ववर्ती सरकार के घोटाले, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद और आरक्षण को लेकर घेरती नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बेरोजगारी और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर भाजपा को घेरा है। और दोनों ही पार्टियां जो है इस बार के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को साधने में जुटी हुई थी। एक तरफ भाजपा ने जहां महतारी वंदन योजना के तहत 12,000 रुपए वो सालाना दे रही, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी नारी न्याय योजना के तहत 1,00,000 रुपए देने की घोषणा जो है वो की थी। और इसके साथ ही जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भाजपा का एक बेहतर परफॉर्मेंस रहे, ठीक उसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी उनका बेहतर परफॉर्मेंस रहे, इसके लिए लगातार पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद ही जुटी हुई थी। और इसके साथ ही तमाम तरह के अभियान बीजेपी के द्वारा चलाए गए, चाहे गांव चलो अभियान की हम बात करें, इसके साथ ही 9 सदस्यता अभियान की भी हम बात करें, तो लगातार अन्य दलों के नेताओं को भी भाजपा ने जो है पार्टी में प्रवेश कराया ताकि उनकी पार्टी जो है मजबूत रहे। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी जो है मैदान में काफी मेहनत की है, इसके साथ लगातार प्रचार प्रसार और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हमने देखा है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि बृजमोहन अग्रवाल आज जो है राजधानी रायपुर के दुर्गा कॉलेज स्थित
मतदान केंद्र में जो है मतदान करने पहुंचे थे, तो वहीं दूसरी तरफ विकास उपाध्याय जो है कलेक्टर को लेकर जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे थे कि कलेक्टर जो है रायपुर के कलेक्टर जो है वो भाजपा की तरफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसे तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो हमने देखा है और लगातार दोनों ही पार्टियों ने बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मैदान में कड़ी मेहनत भी की है। हालांकि जो रिजल्ट है वो 4 जून को आएगा और इसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ निकल कर 4 जून के बाद जो है वो सामने आता है। बिल्कुल, और 4 जून का जाहिर तौर पर इंतजार करना होगा, सभी को इंतजार है और नेताओं के दिल की धड़कनें आज से बढ़नी शुरू होगी। बहुत सारे नेता होंगे जो जीत को लेकर आश्वस्त होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे कि अब ईवीएम की बेवफाई पर क्या कुछ बोलना है इसके बारे में तर्क तलाश रहे होंगे। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए, शैलेंद्र मैं आपके पास भी आऊंगा, शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे महत्वपूर्ण सीट, जैसा कि मैं शुरुआत से कह रहा था, एक दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के अस्तित्व और राजनीतिक सक्रियता को लेकर ये सीट चर्चा में है, आपके पास मैं आऊंगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को देने के बाद, आरक्षण को लेकर पीएम मोदी ने हमला बोला है, विपक्ष पर जमकर बरसे हैं प्रधानमंत्री मोदी, आरक्षण पर डाका डालने की कोशिश, वो हवाला किस बात का दे रहे हैं, कर्नाटक में सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया गया, ये सारा खेल दरअसल 4% का है जो कर्नाटक में मुसलमानों को दिया गया, येदियुरप्पा सरकार में बंद कर दिया गया था, उससे पहले लगातार दिया जाता रहा क्योंकि यहां मुसलमानों की संख्या है 12%। है एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण आप कभी भी नहीं छीनोगे। मैंने उनको कहा था कि आप देश के नागरिकों को लिख कर दो, कांग्रेस की राज्य सरकारें ओबीसी कोटे से रातों रात डाका डाल करके मुसलमानों को आरक्षण नहीं दे देंगे। तो तमाम जो सहयोगी हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, शैलेंद्र हमारे साथ, शैलेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, विदिशा से 3 बड़े-बड़े बयान आए जो 4 जून को भी बहुत चर्चा में रहने वाले हैं। एक बयान तो ये कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जीत और लीड का मामला है यहाँ पर, दूसरा कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसे लड़ा जैसे पहला ये चुनाव है, कार्तिकेय का एक बयान चर्चा में रहा कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई मैं तो संगठन में भी हम लोग साथ साथ काम करते थे, अब मैं इन्हें अपने साथ रखूंगा, और धीरे से कहीं शिवराज सिंह चौहान ने यह कह दिया कि लाडली बहना योजना की जो राशि है वो 3,000 तक मैं लेकर जाऊंगा, एक दो जगह तो मेरा ख्याल माइक बंद करने का भी घटनाक्रम आया था। इन सब के बीच कैसे देख रहे हैं आप विदिशा को, शैलेंद्र? देखिए, विदिशा की जो सीट है वो लंबे समय से, अभी तक पिछले अगर हम 2005 की बात करें तब से शिवराज सिंह चौहान यहाँ के ही बुधनी से हमेशा विधानसभा चुनाव लड़ते रहे, इसके पहले वो सांसद रहे हैं। तो विदिशा सीट में पूर्व तत्कालीन मंत्री सुषमा स्वराज भी 2 बार यहाँ से सांसद रही, तो यह सीट बड़ी एक वीवीआईपी सीट रही है। और इस बार शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है वो करीब 19 साल बाद लोकसभा के रण में वापस से उतरे, और वही देखने में आया कि उन्होंने इस बार जो चुनाव लड़ा है बिल्कुल एक मैदानी तरीके से चुनाव लड़ा। एक एक दिन में उन्होंने 80 गांव, 50 गांव, इतने गांवों में प्रचार किया, प्रसार किया। उनके बेटे को देखे कार्तिकेय को, तो कार्तिकेय ने भी अपील कार्यकर्ताओं से कहा कि किसी भी बात में चुनाव को हल्के में ना लें, कार्यकर्ता मेहनत करें, आत्मविश्वास हो लेकिन अति आत्मविश्वास ना हो। इसी तरह पीएम के बयान के मायने, तो निश्चित ही विदिशा सीट पर इस सबका असर अगर आज देखने को मिला है तो वोटिंग प्रतिशत है। यहाँ पर अभी तक 5 बजे जो स्थिति थी वो 70% वोट लगभग आ चुका था, और ये वोटिंग प्रतिशत को एक दो और बढ़ सकता है, 3% भी बढ़ सकता है। तो निश्चित ही पिछले वर्ष 2019 का जो रिकॉर्ड है 71% का वोट टूट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बात यही बार बार, जैसे आपने भी दोहराई या हमने भी कही, कि यहाँ पर मुकाबला जो है शिवराज सिंह चौहान जिस तरह मेहनत कर रहे हैं,
वो ये दिख रहा है कि उनका प्रयास है या उनके बयानों से भी ये बात सामने आई कि ज्यादा से ज्यादा बंपर वोटों से जीत हासिल करें, क्योंकि यह कांग्रेस प्रत्याशी भानु प्रताप शर्मा की बात करें तो वो इतना सक्रिय नजर नहीं आए, चुनाव इस तरह उन्होंने नहीं लड़ा जैसे कि पहला जब दोनों आपके सामने कैंडो में चुनाव लड़े थे, तो निश्चित ही दोनों एक बार फिर आमने सामने हुए लंबे अरसे बाद। पर इस बार चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने जबरदस्त मेहनत की और पूरा परिवार उनका फील्ड में दिखा, हर गांव बूथ तक जितना जनता के बीच जा सकते थे, तो इसी का असर है कि वोट प्रतिशत इतना ज्यादा यहां पर बढ़ता हुआ दिखा है, जो निश्चित ही एक ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर एक अच्छी लीड ले सकते हैं। हालांकि नतीजे ही 4 जून को आएंगे, उससे ही पता चलेगा कि क्या कितनी लीड वो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोरबा पर उनकी नजर लगातार बनी रही। कोरबा एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। एक शब्द इन सबके बीच आया, मेहनतिन। ये ज्योत्सना महंत के लिए शब्द कहा गया, सरोज पांडे की तरफ से कहा गया, और मुकाबला जिस तरह से था महंतिम बनाम मोदी, मोदी की गारंटी, लेकिन इन सबके बीच सरोज पांडे का जो बड़ा कद है, इस तमाम समीकरण के बीच आकाश क्या कुछ और अलग आपने ऑब्जर्व किया, क्या महसूस होता है, और अब क्या स्थितियां हैं इस ट्रेंड्स के बाद? देखिए, जब टिकट की घोषणा हुई तब से आप देखेंगे कि कोरबा सीट पर लगातार सबकी नजर बनी हुई थी। सरोज पांडे बड़ी नेता हैं और दुर्ग से सीधा कोरबा जाके लड़ना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि महंत का गढ़ माना जाता है, ज्योत्सना महंत वहां से सांसद रही है, एक बार जीती है, 26,000 से अधिक वोटों से वो पिछले बार जीत दर्ज की थी, तो दावा था कि वो जीतेंगी, लेकिन सरोज पांडे आई, बड़ी रणनीति यहाँ पर वो लगातार अपनी लाती रही, कार्यकर्ता एकजुट होते रहे। सबसे पहले जब शुरुआती दिनों में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ विरोध की सुगबुगाहट वहाँ पे देखी गई थी, अंदरूनी विरोध की कला, लेकिन उसको शांत किया गया, बीजेपी संगठन वहाँ पर हावी हुआ और रणनीति बना के जिस तरीके से एक लयबद्ध तरीके से काम किया है, कहीं ना कहीं वह कांग्रेस भारी पड़ती पहले नजर आ रही थी, वो गड्ढे पाटते पाटते वो समय लग गया, लेकिन अभी की स्थिति है तो कहीं ना कहीं टक्कर देखी गई है। और अगर आप देखेंगे, बात करेंगे कि वोटरों से जिस तरीके से दोनों ही जो नेता हैं वो अपने सुबह 6 बजे से जो बूथों में तैनात थे वो दिन भर लगातार बूथों के चक्कर लगाते रहे, परिक्रमा लगाते रहे, वोटरों से बात करते रहे, कार्यकर्ताओं से बात करते रहे, तो लगातार कोई भी वो जमीन नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि जानते थे कहीं से अगर हम कमतर पड़ते हैं, कमजोर पड़ते हैं, तो वो सीट हाथ से निकल सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सीट हाथ से निकल सकती है। अच्छी बात यह भी है कि प्रचंड हार के बाद कांग्रेस ने लगातार खुद को फाइट में रखने की कोशिश की, भले ही चाहे जैसे भी कोशिश की। जैसे एक तस्वीर याद आती है कि विकास उपाध्याय को टिकट मिलने के बाद वो एक रेल में सफर करते नजर आए, लोकल ट्रेन में। करना भी चाहिए, पब्लिक कब किसको राजधानी से उतार कर लोकल ट्रेन में पहुंचा दे, इसका भरोसा भी तो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप जुड़े पूरे मैदान के मैनेजमेंट से लेकर, और क्या कुछ आपको नजर आता है वो आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, और अलग अलग जगहों पर आज मतदान हुआ उसकी हर तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई है, मतदान से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें एक बार फिर दिखाते हैं कि किस तरह से वोटिंग के लिए जो दिग्गज हैं वो पहुंचे हुए थे, उन्होंने अपना मतदान किया, वो लगातार इस तरह की तस्वीरें आपने देखी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।